हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9 की पोएम 9, जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, जिसको लिखा है WWE रोस ने। बहुत ही कमाल की पोएम है, स्पेशली स्नेक्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी ब्यूटी को। ठीक है, तो चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ये पोएम किस बारे में है। इस पोएम में पोएट ये कहने की कोशिश करता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। इनमें से कुछ बिल्कुल हार्मलेस यानी हानि रहित होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी सांप को देखते ही मार देना फुलिशनेस यानी कि मूर्खता होती है। वैसे भी कोई सांप पॉइजनस हो, ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा अगर इसे हम से कोई खतरा ना हो, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। एक सांप हमेशा सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि आत्मरक्षा में ही काटता है, अदरवाइज ये किसी भी दूसरे जीव की तरह, दूसरे क्रीचर की तरह हार्मलेस यानी कि बिना कोई डेंजर से ही होता है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन दुख की बात ये है कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान हमेशा सांप को मार देने की ही कोशिश करते रहते हैं जैसे ही वो उन्हें देख लेते हैं। एक सांप किसी तालाब या नदी के किनारे पर लेटा हुआ था। ये वहां आराम से लेटा रहता है, लेकिन फिर ये किसी इंसान को दिखाई पड़ जाता है। वो आदमी अपने हाथ में स्टिक यानी कि छड़ी लिए हुए उसके पीछे भागता है। सांप बचकर निकलने की कोशिश करता है। अपने पतले लंबे शरीर के साथ अचानक वो बल बनाते हुए भागने लगता है। इसके अलग अलग रूप शेप्स बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं। वो छड़ी की वार से यानी कि स्टिक्स के वो प्रहार से अपने आप को बचाने के लिए ये पानी में से फिसलता हुआ जाने लगता है। पोएट ये सब देखता है और उस आदमी से कहता है कि वो उस सांप को जाने दे। सांप अपने आप को छिपाने के लिए पानी के ऊपर से फिसलता हुआ रीड्स यानी जो प्लांट्स होते हैं सरकंडों में चला जाता है। ये चोट से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये बहुत छोटा सा है और हरे रंग का है। ये छोटे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए पोएट उस आदमी से कहता है कि वो सांप को जाने दे। ये हरे पतले रीड्स यानी कि सरकंडे का उसके बीच एक छोटी छोटी लहरों में वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब पोएम देख लेते हैं। द स्नेक ट्राइंग, सांप कोशिश कर रहा है टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, पीछे लगी हुई उस छड़ी से बचने के लिए। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अपने पतले लंबे शरीर से अचानक बल खाता हुआ। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कितने सुंदर और मोहक, बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रेसफुल उसके शेप्स उसके रूप हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वॉटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक्स, वो छड़ी के प्रहार से उस स्टिक्स के प्रहार से बचता हुआ पानी में से सरक कर निकल जाता है। ओ लेट हिम गो, अरे जाने दो उसे। ओवर द वॉटर इन टू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, पानी से निकलते हुए रीड्स यानी कि सरकंडों में छिपने के लिए बिना चोट खाए। स्मॉल एंड ग्रीन, वो छोटा सा है और रंग में वो हरा है, हरे कलर का है। ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, वो बच्चों को भी कोई तकलीफ कोई दर्द कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व, रेत के ऊपर वो पड़ा था जब तक वो दिखा नहीं था। एंड चेज्ड अवे, अब वो भगा दिया गया है उसे डराकर। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स, लेकिन अब वो लहरों में हरे पतले रीड्स यानी कि सरकंडों के बीच में गायब हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम स्नेक ट्राइंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच।